हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि आनंद है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज छठी चल रही है, जिसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। और वो कौन सी बुक की बता रहा हूँ मैं? क्वांटम कैट बुक की बता रहा हूँ, जिस जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करो जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो उसके लिए बुक काफ़ी अच्छी बुक है। जैसे मान लीजिए, अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन करो, एसएससी सीजीएल हो गया, या सीएचएसएल हो गया, या सीपीओ हो गया, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या कैट मैट जैट ऑल ऑल अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये बुक काफ़ी अच्छी बुक होती है। ठीक है, आप इसको रेफ़र कर सकते हो। तो इसी बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ज्योमेट्री का करवा दिया है, ठीक है, मेंसुरेशन का भी करवा दिया है मैंने, पूरा कंप्लीट हो गया ये दोनों पार्ट। आप जाइएगा, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ये दोनों ही आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी लेवल वन चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस का ये नाइन्थ पार्ट है। बाकी के एट पार्ट जो है ना, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं आपको पांच सवाल कराऊंगा, हो सकता है कुछ सिंपल भी हो, कुछ उसमें टिपिकल होंगे। जैसे सवाल है वैसे मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए पहला सवाल लेते हैं हम लोग, देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या बोला जा रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 29 आर्टिकल्स, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस है। क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल्स, मतलब 19 सीपी सीपी ऑफ 19 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 29 आर्टिकल्स, मतलब 29 SP। ठीक है, मतलब 19 सामान का कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर है? 29 सामान के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना कॉस्ट प्राइस हमको 19 सामान लेने में लगा, जब हम 29 सामान उसी सामान को जब हम बेचते हैं, तब जाके मेरा 19 का कॉस्ट प्राइस पूरा होता है। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही समझ में आ रहा है, ये क्या होगा आपका, अगर सीपी का आर्टिकल अगर एसपी का आर्टिकल से छोटा है तो क्या होता है आपका, लॉस होता है। ठीक, क्या होता है, लॉस होता है। वही सीपी का आर्टिकल एसपी के आर्टिकल से बड़ा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख रखा गया है, आपको क्या निकालना है, लॉस निकालना है। यहाँ पे लॉस हो भी रहा है तो देखो इसका कैसे निकालेंगे, परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या है, आपको इन दोनों का क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का। तो डिफरेंस कितने का, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड कितना, 29 सामान बेचा जा रहा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 29 × 100। ठीक है, यह आ जाएगा आपका कितना, 1000/29। इसको डिवाइड मारा, 1000 को 29 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आता है आपका, यहाँ पे 34.48%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है आपका, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा सवाल था ये। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं हम लोग अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स, मतलब 13 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 23 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13 SP इज इक्वल टू 23 CP। ठीक है, मतलब 13 आर्टिकल जब हम बेच लेते हैं तो उसमें हमारा कितना कवर हो जाता है, 23 आर्टिकल का हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। तो यहाँ से सिंपल सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। वैसे क्वेश्चन में भी लिख रखा गया प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, चलिए निकाल लेते हैं। परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल कितने का मार्जिन है, 10 का मार्जिन है। कितना एक्चुअली में सोल्ड हुआ है, 13 × 100। ठीक है, दोनों को डिवाइड मारा, डिवाइड मारने के बाद कितना आ जाएगा आपके, यहाँ पे 76.92%। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, 76.92% क्या आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, अ ट्रेडर कैन प्रोक्योर 34 पेंसिल्स बाय सेलिंग 28 पेंसिल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेंसिल।
ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक व्यापारी 34 पेंसिल का पैसा, प्रोक्यूर 34 पेंसिल्स बाय सेलिंग 28 पेंसिल्स, 28 पेंसिल को बेचने से ही वो उसको 34 पेंसिल का क्या निकल जाता, कॉस्ट प्राइस निकल जाता। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेंसिल। तो इसमें रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो। तो मैं आप लिख सकते हैं 34 CP इज इक्वल टू 24 ऑफ SP। CP और SP का रेशियो पूछा जा रहा है, CP बटे में कितना हो गया, SP इज इक्वल टू 28 बटे में कितना लिखेंगे, 34। इसको डिवाइड करो, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 आएगा। कितना हो जाएगा इसका रेशियो, 14 बटे में 17। यही चीज़ पूछा जा रहा था ना, CP और SP का। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल करते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अब तक जितने भी सवाल कर रहे थे ना, काफ़ी सिंपल थे, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा समय आप लोगों को वेस्ट नहीं किया। ठीक है, आप लोग उस सवाल को समझ जाओगे जल्दी। ठीक है, अगला देखते हैं, 52 नंबर सवाल देखते हैं। ए स्टाइल क्लॉथ एम्पोरियम, द शॉपकीपर मेजर्स 20% लेस फॉर एवरी मीटर ऑफ द क्लॉथ, ऑल्सो ही मार्क्स अप गुड्स बाई 20%, वट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। देखो, एक स्टाइल क्लॉथ एम्पोरियम में एक दुकान है कपड़े का, जिसमें शॉपकीपर दुकानदार क्या करता है ना, 1 मीटर के बजाय उसमें 20% कम करके देता है। मतलब बोलता क्या है कि आपको 1 मीटर हम कपड़ा दे रहे हैं, लेकिन उसमें वो मेजरिंग में, उसको नापने में क्या कर देता, गलती कर देता है। कितनी गलती करता है वो, 20% का यहाँ पर क्या करता है, एरर करता है, गलती करता है, मार लेता है। ठीक है, और उसके बाद 20% और बढ़ा के रखा है, रेट मार्कअप कर रखा है। तो उसको टोटल कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कितना का वो प्रॉफिट हो रहा है उसको, इस 20% में वो निकाल लेते हैं, उसका इसके साथ सक्सेसिव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है 1000, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर का। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर में वो कितना, 20% लेस, इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा 200। मतलब कितना दे रहा, 800 मीटर, कितना, 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर दे रहा है। लेकिन आपको बोल कितना रहा है कि मैं तुमको 1000 ही दे रहा हूँ, मतलब सेलिंग प्राइस ले रहा है वो 1000 की, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस उसका कितना लग रहा है, 800 मीटर का। कितने का डिफरेंस है, 200 का। कितने का डिफरेंस है, 200 का, कितने में, 800 में, इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका आ जाएगा आपको 25%। यहाँ पे 25% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज तो उसने 20% कर ही रखा है। तो हमें क्या निकालना, 25 का, 25% का और 20% का क्या निकालना, हमको सक्सेसिव परसेंटेज निकालना, दोनों इंक्रीज में। तो 25% का मतलब क्या, 1/4, 4 है, बेच कितने हो रहा, 5 में। ये 20 है, 20 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना, 20% का 1/5 हो जाएगा। तो 5 का कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। ठीक है, ये पाँच यहाँ से कैंसिल, ये 2 2 ज़ा 4 और ये 2 3 ज़ा चला गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना, 3 है। कितने का डिफरेंस है, 1 का, कितने में, 2 में, इंटू 100, कितना हो जाएगा ये, 50%। तो 50% का क्या हो जा रहा है इसको, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। 50% का क्या होगा यहाँ पे, इसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल करते हैं हम। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, चलिए देखते हैं क्या है ये सवाल। ए बुक सेलर प्रोक्योर्स 40 बुक्स फॉर ₹3200। ठीक है, सेल्स देम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द 1 डज़न बुक्स इफ द प्राइस ऑफ ईच बुक इज द सेम। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक बुक सेलर 40 किताबें लाया, ठीक है, 40 किताबें लाया, प्रोक्योर 40 बुक्स, कितने सौ, कितने में, 3200 रुपये में। ठीक है, और उसको ऐसे रेट पे बेचता है, एंड सेल एट देम एट ए प्रॉफिट, कि उसको प्रॉफिट हो जो कि कितने के बराबर हो, 8 बुक के सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए। तो पूछा जा रहा है आपसे कि सेलिंग प्राइस 1 डज़न बुक का कितना होगा अगर सभी बुक का प्राइस क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर 40 बुक, 40 बुक्स कितने का है, 3200 का। एक बुक हो जाएगा आपका 3200 बटे में 40, कितना हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। मतलब CP कितने का है, CP है आपको 80 रुपये, CP कितना है आपको, 80 रुपये है। लेकिन बोल रहा है क्या कि
ऐसे प्रॉफिट में बेचता है ये 4,000 बुक को कि इसको 8 बुक का सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट के बराबर होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एसपी ऑफ 40 बुक्स माइनस सीपी ऑफ 40 बुक्स, ठीक है, यही होगा ना प्रॉफिट। एसपी ऑफ 40 बुक्स माइनस सीपी ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल टू 8K बुक के सेलिंग के प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स, यही है, ठीक है। अब इसको इधर लेते आते हैं तो कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 40 बुक्स माइनस एसपी ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 40 बुक्स, ठीक है। दोनों को माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 32 एस पी इज इक्वल टू सी पी ऑफ 40 बुक्स। यहाँ पे सी पी ऑफ 40 बुक्स कितना है, 3,200, तो ये 32 SP इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3,200, तो 1 SP कितना हो जाएगा, ये 100, मतलब एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है 1 डजन का, तो 12 बुक का कितना हो जाएगा, 12 बुक्स का हो जाएगा 1,200, ठीक है, होगा ना 1,200। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने पांचों सवाल कराए, पांचों सवाल के आपको सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। सिंपल सवाल थे ये, ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर तो यार बनता है, जो भी दोस्त अगर आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर जरूर करना, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, ठीक है। तो दोस्तों एट लास्ट थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।